नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे। आज के दिन के ब्लॉग की शुरुआत मैं दिन के 12 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि आज एक खुशखबरी है। आज मेरी मम्मी आने वाली है बहुत दिनों बाद। आपको पता है मेरी मम्मी गई थी रुद्रपुर, तो आज आने वाली मम्मी। तो मैं देख रहे हैं ना, पूरे बादल लग गए हैं और ठंडा हो रहा था, तो मैंने चाय बना ली है भाई ने मेरे। तो वैसे मम्मी का फ़ोन नहीं मिल रहा है, बहुत बार मम्मी को मैंने कॉल किया पर उनका कॉल नहीं लग रहा है, तो हम लोग थोड़ा परेशान हैं। बट अगर वो पहुंच जाएंगी तो अभी 4:30 बजे तक वो पहुंच जाएंगी। आज पता है कौन आ रहा है, आज पता है कौन आ रहा है, मम्मी आ रही है आज, मम्मी आ रही है आज। हाँ तो मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ थोड़ा सा पुदीना, पुदीने और धनिया वाली चटनी बनाऊँगी मस्त एकदम। यहाँ से तोड़ लेती हूँ मैं थोड़ा सा धनिया, क्योंकि इसमें फूल आ चुका है ऊपर से, तो नीचे से इसकी जड़ों में धनिया के पत्ते हैं। देखिए अब मैं इसको धो देती हूँ, इतना सारा पुदीना और धनिया आई है। देखिए चटनी भी बन के रेडी हो चुकी है एकदम। हेलो गाइस, मेरी मम्मी आने वाली थी और मैं अपनी मम्मी का वेट कर रही हूँ, पप्पू की मम्मी आ गई है पहले। पप्पू और ये देखिए कैसे ना दौड़ दौड़ के, उस दिन इतनी जल्दीबाजी में दौड़ा दौड़ जा रही थी नीचे का, आते टाइम के साथ देखो धीरे धीरे मन नहीं हो रहा इनका आने का। देखिए दोस्तों ये आ रही है अपने माइक से हमारी चाची। इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो गई, अभी तक मम्मी पहुँची नहीं है, पता नहीं कब आएगी। चाची भी आ गई है। देखिए दोस्तों ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं उखो, और इसमें कूटते हैं हम धान। तो जब हमें पहाड़ों में बारिश का अनुमान लगाना होता है कि कितनी बारिश हुई है, तो इसमें देखिए ये पानी में, ये ओखली में पानी भर रखा है ना, तो इसको इस हिसाब से हम बोलते हैं कि एक अखो दियोर छो। जैसे कि दोस्तों मेरी मम्मी आ चुकी है, इसकी मुहतारी भी आ रही है, हमारे वहाँ पहाड़ी में मम्मी को मुहतारी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों आप नीचे से, अभी तो दिख रहे हैं, हाँ अभी दिखेगी नीचे से, वो नीचे बहुओं की आने की ढेर लग रखी है। सुबह एक आई, अभी दूसरी आ रही है, और वहाँ पर गया मम्मी को लेने के लिए भाई नीचे, सब लेने ही पहुँचे, कट्टे कट्टे ले गया। कट्टे में खाने वाला कुछ नहीं है, हम भी जाते हैं मम्मी को लेने नीचे की तरफ। जा और मेरे फेस पे जो आप ये खुशी देख रहे हैं, ये मेरी मम्मी के आने की खुशी है। आप समझ सकते हैं कैसी खुशी मुझे अभी हो रही होगी। और दोस्तों ये देखिए, ये मेरा भाई मम्मी को लेके आ गया है, सामान भी लेके आ गया है, मम्मी का बैग, और यहाँ पर जैकू भी आया मम्मी को लेने। और ये देखिए ये आ गई मेरी मम्मी, आ गई। ठीक है पहुँच गई हो दोस्तों, चलो मम्मी की खातिरदारी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पहले मम्मी को लेके जाती हूँ, बैग देती मुझे। जैकू कौन आया? ये देखिए दोस्तों मम्मी आते ही सबसे पहले पता है किससे मिली, ना हमसे ना किसी से, सबसे पहले अपनी रूपा से। मम्मी कैसी बनाई मैंने रूपा, कमजोर तो नहीं बनाई? देखो पैर छू रही है रूपा मम्मी के। ये देखिए दोस्तों सबसे पहले अम्मा को प्रणाम करने चलेगी मम्मी, ये होते हैं संस्कार। मम्मी ना आते ही अपना काम संभाल लिया है, सब्जी काटने लग गई मम्मी, और अब मेरे मजे हैं तुरंत कुछ दिन। देखिए दोस्तों मैंने बनाया आलू के गुटके और चटनी, और अब बनाती हूँ गुड़ वाली चाय। सोनू ने मम्मी सफर से आलिया करके चटपटे आलू के गुटके बना रखे हैं, चटनी बनाई है, ये देखो इतनी मजेदार, ऐसे ही खाने का मन हो रहा था अभी, गाड़ी लगी थी ना मेरे को। ये देखिए दोस्तों गुड़ वाली चाय, ये आलू के गुटके बनाए हैं, ये चटनी है, ये चाय है गुड़ वाली। थोड़ा नमक कम हो गया लेकिन सही हो रहा है। अभी गाड़ी से सफर करके ऐसे ही खाने का पीने का मन करता है हमारे पहाड़ों का, ये सबसे बढ़िया है ये।